इसराइल हमास युद्ध के बीच अब मिडिल ईस्ट में युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लेबनान का हिजबुल्ला 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही उत्तरी इसराइल पर लगातार बमबारी कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब लेबनान धमाकों से दहल उठा है। दरअसल लेबनान के कई इलाकों में एक साथ कई सिलसिलेवार धमाके हुए हैं और इन धमाकों में 1200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इन धमाकों की चपेट में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी आ गए। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इन धमाकों में अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है इसका कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि लेबनान से जो वीडियो सामने आए हैं वो बेहद ही डरा देने वाले हैं। लेबनान के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ कई सीरियल ब्लास्ट में एक बार में ही 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल ये सभी धमाके हिजबुल्ला के लड़ाकों की कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर्स में हुए, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्ला बड़े पैमाने पर बातचीत करने के लिए करता है। हालांकि लेबनान में आम जनता पर भी पेजर डिवाइसों का इस्तेमाल करती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डिवाइसों को हैक करने में एक साथ कई बम धमाके कराए गए। इसको लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो कोई भी इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है या फिर जिस किसी के पास ये पेजर्स हैं वो उन्हें तुरंत ही नष्ट कर दे। लेबनान की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ये धमाके लेबनान के कई इलाकों में हुए हैं, खासतौर से राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगर वाला इलाका इन धमाकों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरी तरफ लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी NNA का कहना है कि अली अल नहारी और रियाद कस्बों में पेजर्स को हैक किया गया और उनमें धमाके कराए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में ये धमाके हुए हैं वो हिजबुल्ला का गढ़ माने जाते हैं, और अब इन धमाकों से समूचा लेबनान हिल चुका है। लेबनान में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, बड़े पैमाने पर लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई है जिससे जरूरत पड़ने पर खून की आपूर्ति की जा सके। आपको बता दें कि लेबनान से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें ये धमाके लाइव दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला पेजर्स डिवाइस का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को इसराइल हैक न कर ले। लेकिन अब इन पेजर डिवाइस में धमाके होना लेबनान की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, और यही वजह है कि लेबनान के कई नेता इन धमाकों का आरोप इसराइल के ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इन धमाकों से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं इजरायली सेना ने भी इन धमाकों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।